अब जुपिटर के पास क्या है कि दो स्पेशल एस्पेक्ट है, फिफ्थ एंड नाइन्थ। वी विल नॉट टच सेवन अगेन बिकॉज सेवन्थ वी हैव कवर्ड, राइट? सेवन्थ की हमने बात कर ली है एंड वी अंडरस्टूड इट। नाउ फॉर जुपिटर व्हाट हैपेंस इज कि फिफ्थ हाउस किसका है बताइए? प्रोजेनी का है, येस नो? यस तो चाइल्ड बर्थ देखते हैं फिफ्थ हाउस से, आपके बच्चे देखते हैं फिफ्थ हाउस से, एजुकेशन ऑफ कोर्स देखते हैं हम फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस, सो नाइन्थ हाउस इज सीन फॉर फादर, दैट्स इज सीन फॉर गुरु, इज सीन फॉर राइटियसनेस। जुपिटर जो है ये प्रोटेक्ट करता है अपने से फिफ्थ को और अपने से नाइन्थ को, क्यों? क्योंकि ओके प्रोजनी और विद्या को प्रोटेक्ट करेगा जहां बैठेगा वहां से, और धर्म को प्रोटेक्ट करेगा, दिस इज द हाउस ऑफ धर्मा, राइट? अब मजेदार बात यह है कि जब आप चार्ट देखते हैं किसी का, आप लोग अपना अपना चार्ट निकालिए और देखिए कि जुपिटर कहाँ बैठा है, उसको प्रेडिक्शन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जुपिटर जिस भी भाव में है उस भाव से पांचवें भाव के लिए जब हमने बोला कि वो प्रोटेक्टिव है, लेकिन जो नेटिव है उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो नेचुरली, और ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये आदमी फील नहीं करता, लेकिन उसके आसपास के लोग, या अगर आपको कोई क्लोजली किसी को जानते हैं, तो वो इस बात को अग्री करेगा कि ऐसा है इस आदमी के साथ, या अगर इफ वो अगर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो वो ये बात समझेगा कि ऐसा होता है उसके साथ। जिस भाव में जुपिटर है उस भाव से फिफ्थ भाव के लिए वो प्रोटेक्टिव होता है आदमी, और वो बच्चों की तरह प्रोटेक्ट करता है उस भाव को, मतलब ही टेक्स केयर ऑफ दैट हाउस या रिलेशनशिप रिलेटेड टू दैट हाउस लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करता है। ठीक सागर जी, वेयर इज योर जुपिटर? 10,000 टेंथ हाउस। सो द नेटिव कैन बी प्रोटेक्टिव अकेला अबाउट हिज फैमिली एंड वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली नेचुरली बिकॉज सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली। अब नाइन्थ हाउस इज फॉर गुरु, इज फॉर राइटियसनेस, अपने से नाइन्थ हाउस को प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर जहां भी होता है चार्ट में, उससे फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में ऐसा बोला जाता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। वो गंगा जल जैसे छिड़क दिया किसी ने उस भाव पे, वो भाव, उस भाव के शुभ प्रभाव ही आएंगे आपको। अगर कोई अफ्लिक्शन भी है तो जुपिटर दूर कर देता है। बट देन जब आप इसको प्रेडिक्शन में देखेंगे कि आदमी का क्या बिहेवियर है, तो जहां पर भी जुपिटर है वहां से जो नाइन्थ हाउस है वो उसको इंपॉर्टेंस देने लगता है बहुत ज्यादा, उसकी जो बात है इट बिकम्स काइंड ऑफ अ फाइनल वर्ड। हर्षल जी, वेयर इज योर जुपिटर? यस आठवें घर से नौवां घर इज फोर्थ हाउस, सो द मदर बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ शी इज सेड समथिंग इट बिकम्स द फाइनल वर्ड। यस जुपिटर से नाइन्थ हाउस जो है, अगर उस नेटिव ने कुछ बोला है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। आप अगर ये फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो नॉर्मल है दैट यू विल लिसन टू योर फादर एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, दिस इज वेरी सिंपल। कॉम्प्लिकेशन कैसे आएगी? आप जुपिटर को फिफ्थ हाउस में ले आइए, वो आदमी इज प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग अबाउट हिज फादर एंड गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू हिमसेल्फ, तो ये उतना अच्छा नहीं हुआ एक तरह से देखे जाए तो। He would be arrogant just listening to his own self only. मैं नॉट वेरी एरोगेंट दो, बट बोल सकते हैं कि मतलब जो ही, बोलता वही सही हाँ, है. मतलब मुझे जो समझ में आ गया ना, मुझे वो ठीक लगता है, मतलब जो मुझे जो ठीक लग रहा है वही ठीक है। ही वुड नॉट प्रॉबली टेक समबडी एल्स वर्ड, उसको जो समझ में आएगा वही ठीक लगता है। ये आप देखेंगे तो ये लगेगा बहुत सारे चार्ट में। अब जैसे नाइन्थ हाउस में किसी के जुपिटर है, उसमें भी एक, अदरवाइज आप देखोगे तो यू विल से दैट इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव, लेकिन हो क्या रहा है नेटिव के साथ? खुद को तो बच्चा बनाया है, खुद को बच्चे की तरह देखता है, तो सच अ नेटिव आप देखोगे कि वो अपना बड़ा ध्यान रखेगा, अपने खाने पीने का बड़ा ध्यान रखेगा, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही इज ईटिंग व्हाट ही इज नॉट ईटिंग। वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं फॉर हेल्थ बेनिफिट्स एंड ऑल दैट, वो सब करते हैं थोड़ा सा, और खुद के लिए ज्यादा रिस्की अफेयर्स भी नहीं लेते हैं विद जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस, वो बहुत ज्यादा रिस्की अफेयर्स में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो वो बचा के रखते हैं खुद को, तो ये एक आपको प्रभाव दिखेगा। और जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ आ रहा है? ऑन द फिफ्थ हाउस, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बच्चे ने कुछ बोल दिया है वो आदमी के लिए ऐसा हो गया कि करना ही करना है, उसको नहीं मालूम चलेगा कि ऐसा होता है उसके साथ, पीपल अराउंड हिम कैन से और टेस्टिफाई फॉर हिम कि ये ऐसा करता है आदमी। सर आप जो भी बता रहे हैं सब सच ही बता रहे हैं. नहीं, थैंक यू, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कंफर्म करें, वेयर इज योर जुपिटर? माय जुपिटर इज इन थर्ड हाउस. करेक्ट, ठीक है मैम। तो यू सी योर हस्बैंड एज अ चाइल्ड, इज दैट सो? आर यू प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग अबाउट योर हस्बैंड? वो करना ही पड़ता है. नहीं, देखिए दो बातें हैं, अगर ये जुपिटर इलेवेंथ हाउस में होता तो हस्बैंड को आप रिस्पेक्ट की नजर से देख के उनका वर्ड फाइनल होता, देयर इज अ ओके डिफरेंस देयर, राइट? एट द मोमेंट यू आर प्रोटेक्टिव एंड यू आर केयरिंग अबाउट योर हस्बैंड। और इलेवेंथ हाउस जो है, इफ इन केस यू हैव अ एल्डर सिबलिंग, हिज वर्ड बिकम्स फाइनल और यू ट्राई एंड फॉलो व्हाट ही हैज टोल्ड यू और शी हैज टोल्ड यू, अगर कोई एल्डर सिबलिंग है तो।
बिल्कुल ये हमारे ये नेचुरल है लोगों के अंदर। वीपी गोयल सर की टेक्निक है ये, मैंने और हाँ कहीं से सुना बहुत नहीं है। बहुत वीपी गोयल बहुत सर अच्छी की हुई टेक्निक है, टेक्निक है। और ये बहुत एक्सीलेंट टेक्निक है, मैंने देखा नहीं लोगों को यूज करते हुए। मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे लगाई है, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, दिस वर्क्स वंडरफुली, बहुत अच्छा काम करता है ये, और ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। मैंने देखा है और हमेशा परफेक्टली काम साथ करता है।